हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ पापियास किचन स्टोरीज में। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो आप लोग देखिए। ये जो है, ये सीम के दाने हैं। इसको मैंने बॉयल कर लिया है। बाजार में जो ग्रीन कलर का सीम मिलता है, वही उसका दाना है। देखिए, ये दाने को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। आप लोग अच्छी तरह से इसको बॉयल कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे। फिर इसके साथ मैंने ड्राई फिश लिया हुआ है। ये है बॉम्बे ड्राई फिश बोलते हैं कोई कोई, और हम लोग बोलते हैं इसको लट्टा चिटकी। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी आलू भी लिया हुआ है। आलू देने से क्या है, ज़्यादा ज़्यादा रिच नहीं होता है। तो थोड़ी सी फाइन पेस्ट कर लिया है मैंने। इसमें देखिए, मैंने थोड़ी सी प्याज, टमाटर और लहसुन दिया है। तो अभी देखिए मैं इसको कैसे पकाती हूँ। आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए। इसमें कुछ मसाला भी यूज़ होगा, तो मैं डालती जाऊँगी, आप लोग को दिखाती जाऊँगी। तो आइए देखते हैं। कढ़ाई में मैंने पहले तेल डाल दिया है। गरम होने दीजिए तेल को थोड़ा सा। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। कढ़ाई देखिए तेल गरम हो चुका है। तो इसमें जो है, ये सब जो है, एक एक को मैं फ्राई करती जाऊंगी और एक एक को उतारती जाऊंगी। देखिए, पहले मैं आलू दे रही हूँ तेल में। तो देखिए, ड्राई फिश और आलू को मैंने इस तरह से हल्का फ्राई कर लिया है। अभी जो सीम के दाने हैं, मैंने बोली थी वो दाना को अभी थोड़ी सी मैं तेल में वो भी एक साथ फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, अभी सब कुछ मेरा फ्राई हो चुका है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। इस रेसिपी के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। ये आप सरसों का तेल में तेल ही यूज़ कीजिएगा, दूसरा तेल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सरसों के तेल में ये अच्छा लगता है खाने में। अब देखिए, तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, तो उसमें मैं थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो पेस्ट बनाया हुआ है वो मैंने तेल में डाल दिया है। पेस्ट को थोड़ी सी मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, अभी मैं इसमें कुछ मसाला यूज़ करूँगी। ये है हरी मिर्च का पेस्ट, दो चम्मच। थोड़ा सा तीखा होने से अच्छा लगता है। हल्दी एक चम्मच, एक डेढ़ चम्मच दे दीजिए क्वांटिटी के हिसाब से। थोड़ी सी जीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। फिर नमक, क्वांटिटी के हिसाब से दीजिए नमक। तो अभी देखिए, सब मसाला तो मैंने दे ही दिया। अभी जो सब कुछ मैंने फ्राई करके रखा था वो मैं अच्छी तरह से डाल दूंगी यहाँ से। कलर के लिए आप लोग कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी अभी पानी भी डाल दूंगी। वो जो पेस्ट किया हुआ पानी है वो मैं डाल रही हूँ। फिर मैं दिखाऊंगी आपको कैसा होता है। तो देखिए, मैंने ड्राई फिश को जो बड़ा बड़ा पीसेस है वो कटोरी में लेके ऐसे
थोड़ी सी हाथों से मैच कर लिया, ऐसे आप लोग ऐसे मैच करके फिर ऐसे डाल दीजिए, फिर ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाला हुआ है, ये जो ड्राई फिश है मेरा लगभग हो ही चुका है, आप लोग धीमे आंच में इसको थोड़ी थोड़ी करके ऐसे फ्राई। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीनी का दाना है वो ड्राई फिश से कैसा लगता है, आप लोग बनाइए खाइए, और पापियास किचन स्टोरीज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसको, ये जो व्हाइट राइस है इसके साथ ही खाइए, और पापियास किचन स्टोरीज में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए ये जो ड्राई फिश है आपको कैसा लगा। थैंक यू।